दिल्ली के हाथ में है और वो डोर खींचते हैं तो फिर डोर ये शब्द बहुत अपने पार्लियामेंट्री शब्द यूज किया है। मैंने चड्डी की नाड़ी बोला है, नाड़ा, चड्डी का नाड़ा, यहाँ की सरकार की चड्डी का नाड़ा जो है वो दिल्ली में वो कभी भी खींचते हैं, कभी भी टाइट करते हैं, तो मुख्यमंत्री और दो दो उप मुख्यमंत्री भाग भाग के दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ दर दिन सरकारी अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, 150 से ज्यादा लोग 8 दिन में मर गए, नागपुर, नांदेड़, संभाजीनगर और भी जगह से खबरें आ रही हैं। और सरकार कहाँ है? मुख्यमंत्री दिल्ली में नक्सलवाद के ऊपर चर्चा करने के लिए। जितने लोग नक्सलवादी हमले में नहीं मरे हैं महाराष्ट्र में, उतने लोग 8 दिन में सरकारी अस्पतालों में मरे। क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं? हाईकोर्ट ने क्या कहा है? आप जिम्मेदारी इस तरह से झटक नहीं सकते। जब भी देखो मुख्यमंत्री कहाँ है, अमित शाह से मिलने गए हैं, मुख्यमंत्री कहाँ है, मुख्यमंत्री दिल्ली में गए हैं, मुख्यमंत्री कहाँ है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सदन में बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ कौन है, यहाँ कौन सरकार चलाएगा, जिम्मेदार कौन है? इतने लोगों की मौत हो गई है, नक्सलवाद को तो निपट लेंगे हम लोग, आप क्या निपट लेंगे? सर डमरू बजाने की बात कही है कि दोनों मुख्यमंत्री नाच रहे हैं, अब तो नाच रहे हैं, मदारी है देवेंद्र जी, मदारी है और ये तो बंदर है, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, दोनों नाच रहे हैं, उनके हाथ में क्या है? मैंने कहा ना, उनके चड्डी का नाड़ा दिल्ली में है, सरकार के चड्डी का नाड़ा दिल्ली में है, इसलिए तो बार बार जाना पड़ता है, थोड़ा लूज करो, थोड़ा टाइट करो। सर आजकल संपादकीय मुझे आसान समझते हैं।